मध्य प्रदेश श्रमिक कल्याण समिति पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के संबंध में मनावर पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने बताया कि भारत सरकार नियम अंतर्गत फैक्ट्री के इन्वेस्टर्स द्वारा MIU सामूहिक करना था। 80% स्थानीय लोगों को रोजगार देना, इन बातों को लेकर प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने देखा मनावर के पास ग्राम टोंकी में अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना है, जिसको लेकर यहां के स्थानीय लोगों से मिलकर चर्चा की गई, जिसके बाद उन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में पत्रकारों के बीच प्रेस वार्ता कर उन्हें बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री लगाने से पहले इन्वेस्टर्स द्वारा सरकार की नियम नीतियों के अनुसार MIU की शर्तें सामूहिक करना था, जो नहीं की गई। वह फैक्ट्री द्वारा स्थानीय लोगों को 80% रोजगार देना था, जो नहीं दिया गया। जिन्हें दिया गया उन मजदूरों को भी फैक्ट्री में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाना है। मजदूरों के लिए केटिंग की सुविधा करना, जो फैक्ट्री द्वारा नहीं है। सुल्तान सिंह शेखावत ने कहा कि 22 अगस्त 2019 को भारत सरकार के प्रतिनिधि धार मुह लोकसभा भाजपा सांसद छतर सिंह दरबार द्वारा स्थानीय लोगों की मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना भी दिया गया था, जिस पर फैक्ट्री द्वारा पालन करना चाहिए, नहीं तो इन सभी मुद्दों को लेकर जल्द श्रमिक कल्याण संघ समिति भोपाल के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जन आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का इष्टदेवता शिवराज सिंह जी सरकार में, भारतीय मजदूर संघ का पूर्व महामंत्री रहा हूँ। आज मैं धार जिले के प्रवास पर था। धार से होकर के जब मैं इधर आया तो स्थानीय लोगों से मेरी भेंट होने के बाद में पता लगा कि माननीय सांसद जी तो कहीं प्रवास पर गए हुए, मैं उनसे भी मिलने वाला था। अभी 22 तारीख को माननीय सांसद जी ने काफ़ी दबाव बना करके यहाँ के अल्ट्राट्रैक के मैनेजमेंट से बातचीत की, और बातचीत करके और कुछ बिंदुओं के ऊपर जो यहाँ के स्थानीय लोगों का मांग पत्र था उसके ऊपर एक सहमति बनी, इन सब का हम निराकरण करेंगे। इस संबंध में हमारा ये कहना है कि माननीय सांसद जी के साथ में बैठ करके जो भी तय किया है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। यहाँ एक कारखाना लगा है, कारखाना लगाने से पहले जब भी इन्वेस्टर मेरिट होती है तो उसके साथ में MOU होता है। MOU की जो शर्तें हैं उन शर्तों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, 80% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार। केवल टेक्निकल पर्सन, मैनेजमेंट स्तर के लोग जो कि स्थानीय स्तर पर सामान्यतः नहीं मिलते हैं, मगर बहुत सी बार ओपन जब अगर आप भर्ती करोगे तो स्थानीय स्तर पर भी अच्छे ऐसे लोग भी, टेक्निकल पर्सन भी मिल सकते हैं, इंजीनियर भी मिल सकते हैं, मैनेजमेंट स्तर के लोग भी मिल सकते हैं। अगर वो नहीं मिलते हैं तो बाहर से लाके भर्ती की जाती है। तो स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। दूसरा, कारखाने के अंदर अभी ये पता लगा कि जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है उसका पालन नहीं है, वहाँ पर कोई कैंटीन व्यवस्था नहीं है, 8 घंटे से ज़्यादा वहाँ लोगों से काम लिया जा रहा, उसका कोई ओवरटाइम नहीं है, और पूरा का पूरा प्लांट ठेकेदारी में चल रहा है। सामान्यतः प्लांट प्रोडक्शन में आने के बाद में ठेकेदारी में नहीं चलता है, और ठेकेदारी में केवल कोज और नॉन कोज दो प्रकार की एक्टिविटी होती है। जो कोज एक्टिविटी होती है उस कोज एक्टिविटी के अंदर ठेकेदारी प्रथा नहीं होती है। इसलिए आपके माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं कि यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा समाप्त होना चाहिए, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, और जो लोग अंदर काम कर रहे हैं स्थानीय, उन सारे लोगों को जिनकी ज़मीन गई है उनको स्थायी रोज़गार मिलना चाहिए, और जो श्रम कानून है उसका पालन होना चाहिए, जो MOU किया गया उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि सांसद जी के साथ में जो बैठ करके तय किया उसका समय सीमा में उसका पालन किया जाना चाहिए। अगर समय सीमा में उसका पालन नहीं किया गया तो यहाँ के जो जिनकी जमीन गई उन लोगों को और अंदर काम करने वाले वर्करों को लेकर के और हम जन आंदोलन। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।